con bạn trong phòng tập về sao chúng ta thường không có bán tài đó ông chuyên gia là ông liền đây là những sản phẩm sinh phẩm sản phẩm sinh phẩm rồi ông ăn bao nhiêu cái sản phẩm sinh phẩm rồi phải phải luôn mấy ông đi ba ai á đủ lúc sắp sắp phải sắp tăng tăng nhau này là cái tăng tăng phải luôn như tôi nghe đã cái tăng 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 thì bao sai phải luôn जिन में काम करेगा वो लोग को पैसा आता है शाम को आता है लोग शिवजी के पास और मंडली में आता है वो लोग वचन बताता है लोग को बुलाता है मंडली में ऐसे जवान लोग बच्चे लोग का शाला चलाता है संडे स्कूल चलाता है और छुट्टी छुट्टियों में शाला चलाता है वो लोग स्कूल चलाता है अभी स्कूल हॉलीडेज में सब लोग अभी पैदल लोग वचन बताने के लिए रविवार देखो लोग बापटिस्म देने के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ हम एक दूसरे को तैयार कर एक दूसरे को पूछना पड़ता है उनको कितना मालूम है प्रभु के बारे में कई बार मंडली में आता है चुपचाप बैठे बैठा है अपने अपना दोस्त लोगों के साथ आए 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 बोलेगा जाएगा और दूसरा बात कुछ बोलो एक दूसरे के साथ पूछता है हमारे बाजू में बैठे लोगों के साथ बात करता है हम लोग मंडली होने के बाद चाय पानी की बात कुछ लोग को खाना पीना दे रहे चिंतन रहे है ना हमको उधर चाय पानी है शिव बस भाईचारा मतलब क्या सिर्फ बैठ के जाने का नहीं है भाईचारा मतलब आप एक दूसरे को भानना पड़ता है हमारे दिल को एक दूसरे के साथ सच करना है बातचीत करना है प्रभु का प्रेम बांधना पड़ता है ऐसा बनना फेलोशिप एक दूसरे को सिखाने में एक प्रभु का काम करने में कोई बोलना जरूरत नहीं हमारा मंडली में एक दूसरे को ड्यूटी है हर एक को रविवार एक महीने का शेड्यूल बनाता है ड्यूटी जो लोग पहले आके सब लोग साफ करके तैयार करेगा सब लोग आने के पहले वो लोग उधर खड़ा होकर लोगों का स्वागत करेगा देखो जो लोग चाय पानी तैयार करके ला के लोग को देगा वही लोग स्पेशल गाना बोलने वाला है देखो और ब्रदर लोग प्रभु बॉयज को तैयार करेगा और वचन बताने वाला गवाही देने वाला जो लोग रहेगा हर रविवार ऐसा एक एक को ड्यूटीज है तो सब लोग भाग लेना है सब लोग साथ करने के काम है नहीं पता है नहीं पता काम कर रहे हैं वो करेगा छोटा मोटा काम कर रहे हैं पता है सब लोग प्रभु में सब लोग देख रहे तुम साहेब आए तुम बाहर साहेब आए इधर में अंदर इनमें साहेब कोई नहीं है सब लोग सब लोग ही ऐसा हम लोग मंदिर में करते हैं ऐसा बात कहते सब लोग सिखाने वाला होना पड़ता है इसलिए सब लोग के पास बाइबल है तुम्हारे पास बाइबल नहीं होगा तुम सुन रहे हो क्या तुम सीखते हो वही पेस्ट पर तिमोथी से कहा था क्या सुना है कि उस समय वो लोग के पास बाइबल नहीं था पढ़ने के लिए ऐसा नहीं बोला तुम क्या पढ़ा है वो बताओ तुम क्या सुना है कि उस समय सिर्फ सुनने का बात है उस समय सबके पास बाइबल नहीं था वो लोग सिर्फ वचन सुनता था प्रेयर कॉल से जो सुना है वो बात हम लोग दूसरों को सुना दूसरों को बता तो उसे मैं सामग्रे जवाबदारी करता हूँ कमिंग टू अदर्स तुम्हारे पास वैसे ही मंत्र को दूसरों को सामग्रे ये जवाबदारी करना है तो ऐसा बनने के बारे में वचन में हम देख रहे इब्रानियों का पत्र 12 अध्याय में हम देखते हैं आत्मिक जीवन एक दौड़ने कैसा दौड़ने कैसा रनिंग रेस स्पिरिचुअल लाइफ इज लाइक रनिंग रेस भाग रहे दौड़ना यीशु मसीह और ताकते हम दौड़ रहे ऐसा करते हैं पहले पत्र दूसरा का एक क्वेश्चन में बनने के बारे में लिखा है ये सब बुरी बातों को छोड़कर जब हम आत्मिक जीवन में बनना करके पत्र का पत्र में हम देखते हैं दूसरा पत्र 3:18 वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के अनुग्रह में और ज्ञान में तुम बढ़ते जाओ ग्रो इन द ग्रेस एंड द नॉलेज ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट तो पवित्र शास्त्र में बनने के बारे में बताया है आत्मिक जीवन में हम बनना बहुत जरूरत है तो लोग देखो एक साल दो साल पाँच साल दस साल तुम इस मसीह को स्वीकार किया तुम वैसे ही है वही परिस्थिति में है कभी समस्या आया प्रार्थना करो पड़ेगा कई बार समस्या आया दुख करेगा कई बार समस्या आया तुम कुछ करेगा हाँ कई लोग नाराज होकर पीछे जा प्रभु को छोड़ेगा मंडली को छोड़ेगा कभी तुम आगे बढ़ने वाला है वो स्थान से कि हमेशा समस्या परिष्कार के लिए सोचते हो लेकिन और उससे ज्यादा प्रभु के बारे में समझना चाहते हो प्रभु वचन में क्या लिखा है और ध्यान करना चाहते देखो सबको समस्या हमेशा आता है देखो पास्टर स्टीफन राय को बहुत समस्या है
बिजली समस्या सबको समस्या है, हमारे जीवन भर हमको समस्या रहेगा, हम मरने के बाद भी समस्या रहेगा, देखो तुम्हारे द्वारा दूसरों को समस्या आएगा, लेकिन हम ये समस्याओं के ऊपर ध्यान रखा हम प्रभु के पीछे नहीं जा सकता है। प्रभु ये समस्या में हमको परिष्कार दिएगा। पृष्ठ पाल ने दूसरे कोरिंथ 12 अध्याय में पहले कहा कि पहले कोरिंथ 12 अध्याय में पृष्ठ पाल ने कहा कि मुझे प्रभु ने एक कांटा रखा है, तीन बार मैं प्रार्थना किया निकाला मैं वैसे रखा, मेरा अनुग्रह बहुत है। परमेश्वर का अनुग्रह हमको देखते हुए हमारे समस्याओं में, और वो समस्या को पकड़ के और कांटा को पकड़ के नहीं बैठा पृष्ठ पाल, सब जाना में जाके सुसमाचार प्रचार किया, उसका काम जो प्रभु दिया वो पूरा किया। आखिरी में कहा दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 8 वचन में, मैं प्रभु जो दिया मैं खत्म किया पूरी किया, मेरा दाऊद नाम मैं चिट्ठी पॉइंट के पास गया मेरे लिए बख्शीश रहता है। उसका कांटा है उसके पास, प्रभु निकाला नहीं, मतलब वो समस्या गया नहीं, उस समस्या में वो प्रभु का काम करते हुए पूरा किया।